नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका NS माउंट के यूट्यूब चैनल में। ये हमारा फर्स्ट ट्रिप का 9th व्लॉग है माउंट आबू का। पिछले व्लॉग में जैसे आपने गोमुख का व्लॉग कंप्लीट किया था, तो वहाँ से ही हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम के लिए निकले। बट फिलहाल कोरोना की वजह से ब्रह्मा कुमारी आश्रम में एंट्री अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमने ब्रह्मा कुमारी आश्रम की जगह क्रोकोडाइल पार्क और रघुनाथ टेंपल जाने का डिसीजन लिया। तो फिलहाल हम जा रहे हैं क्रोकोडाइल पार्क और उसके बाद रघुनाथ टेंपल जाएंगे। और फिलहाल अभी माउंट आबू में काफ़ी भीड़ कम है ड्यू टू कोरोना, और भीड़ कम होने के कारण ही हम आपके लिए ये व्लॉग शूट कर पा रहे हैं, नहीं तो हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आती वीडियो शूटिंग करने में। तो चलिए, ये व्लॉग आपके लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है, तो इस व्लॉग की करते हैं शुरुआत। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम नक्की लेक के काफ़ी पास हैं और क्रोकोडाइल पार्क नक्की लेक के पास में ही है, तो हम नक्की लेक का भी आपके लिए व्लॉग लेके आएंगे। पर उसमें अभी टाइम है, पहले माउंट आबू के सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद एंड में नक्की लेक का भी व्यू आएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं क्रोकोडाइल पार्क, और क्रोकोडाइल पार्क काफ़ी नज़दीक है। हाँ, मैप से पता चल रहा है कि हम क्रोकोडाइल पार्क के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्डन कलर की जो कार पड़ी है काफ़ी शानदार से लग रही है। और मैं जितनी बार भी माउंट आबू आया हूँ, मैंने यहाँ पर ये दोनों कारें देखी हैं, और यहाँ पर प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी है क्योंकि ये नक्की लेक के पास में और गार्डन का व्यू भी है और काफ़ी शांत और पॉल्यूशन फ्री माहौल है, इसलिए यहाँ की प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी होती है। तो चलिए गाइस, हम क्रोकोडाइल पार्क आ गए हैं। तो यहाँ पर क्रोकोडाइल के स्टैचू बने हुए हैं, 4 क्रोकोडाइल्स हैं और उनके मुंह में शिवलिंग है। काफ़ी सही गार्डन है, काफ़ी शानदार गार्डन है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए काफ़ी सही गार्डन है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नक्की लेक का भी व्यू है, इस गार्डन से नक्की लेक का भी व्यू ले पाते हैं। और
क्रोकोडाइल पार्क के अंदर यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा बनी हुई है। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं इनको, काफ़ी महान पुरुष हैं। इनके यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है वायुसेना के ग्रुप कैप्टन मनोज घोष द्वारा बनाई गई थी। और यहाँ पर गर्ल्स बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही हैं। तो गाइस हम आ गए हैं रघुनाथ टेंपल में। तो गाइस ये है रघुनाथ टेंपल की एंट्री और फिलहाल हम रघुनाथ टेंपल के अंदर हैं। यहाँ पर हम आपको भगवान रघुनाथ के दर्शन कराएंगे। तो भाई ये है भगवान रघुनाथ का मंदिर, जो कि आपको हमने अलग अलग एंगल व्यू से दिखाया है। यहाँ पर भी ये आश्रम बना हुआ है। फिलहाल तो इस व्लॉग में इतना ही, और आने वाले माउंट आबू के अगले व्लॉग में काफ़ी शानदार आने वाला है, गुरु शिखर भी आएगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ, मिलते हैं अगले व्लॉग में।